ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग थ्री क्वेश्चंस। ये तीन क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट आए हैं। अभी तक हमने केस वन, केस टू, केस थ्री, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? सो अब हम लोग इस रिलेटेड जो आपके केस थ्री से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन इलेवन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इलेवन क्या कहता है। क्वेश्चन इलेवन ऐसे कहता है कि माही एंड रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। They admit Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's. एक सेकंड रुकना ना, Mahi's capital account, right? यहाँ पे ये जो लाइन अंडरलाइन करने वाली है वो ये है कि सॉरी वापस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। दे एडमिट कृपा एज अ न्यू पार्टनर, कृपा बॉट 60,000, ब्रॉट 60,000 एज अ गुडविल, अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम व्हिच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बात इसको समझने वाली है। यहाँ पे जो कृपा गुडविल लेकर के आ रही है वो सारी की सारी माही को मिल रही है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि माही ने ही पूरा शेयर सेक्रीफाइस किया है। जो शेयर कृपा को मिल रहा है वो माही ने ही दिया है, राइट? On that date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. देखो, new profit sharing ratio calculate करने के लिए आपके पास old और क्या होना चाहिए? जो sacrificing share है वो होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वो बात क्या है? हालांकि वो मैं आपके नए टॉपिक में बताऊंगा अभी, जो गुडविल वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पर मैं आपको ये बात स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ कि बेटा क्या होता है जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो गुडविल का हिस्सा लाता है, राइट? और वो गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड की जाती है। जिन पार्टनर्स ने उसका शेयर सैक्रिफाइस किया है, जिन पार्टनर्स ने अपना शेयर सैक्रिफाइस करके न्यू पार्टनर को दिया है, तो न्यू पार्टनर उस सैक्रिफाइसिंग शेयर के बदले में उन्हें गुडविल देता है, राइट? सो इस केस में जो गुडविल है वो पूरी की पूरी किसको मिल रही है? माही को। इसका मतलब कृपा को जो शेयर दिया गया है वो सारा का सारा माही ने दिया, राइट? तो मैं इसको पहले एक लाइन में लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुडविल brought by Kripa is credited into Mahi's capital account. Mahi's capital account, which means only Mahi sacrificed his share in favor of Kripa, right? केवल माही ने ही कृपा को क्या किया है? शेयर सेक्रीफाइस किया है। आगे बात सुनिए, आप सुनिएगा ध्यान से। अब बात ऐसी है सर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है माही जिस पार्ट के लिए आई है, ठीक है, माही लेकर के आई है, दे एडमिट कृपा एज अ न्यू कृपा 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 के लिए क्वेश्चन में कोई शेयर गिवन नहीं है। दे एडमिट कृपा एज अ न्यू पार्टनर, कृपा ब्रॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम व्हिच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, जो 60,000 शेयर है, जो 60,000 गुडविल का शेयर मिला है किसको? माही को। किसने दिया? कृपा ने। तो कृपा के हिस्से की गुडविल जो 60,000 है वो कैसे निकाली होगी, जरा सुनिएगा। यहीं से कृपा का शेयर आया। मैं लिखता हूं, एक कैलकुलेशन देखिएगा, कृपास शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलती है, सुनिएगा। फॉर्म की फॉर्म्स वैल्यूड गुडविल, जो फॉर्म की जो वैल्यूड गुडविल होती है, ये मैं आपको हालांकि जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा भाई क्या होता है। फॉर्म की गुडविल में उस नए पार्टनर का हिस्सा, जो फॉर्म की गुडविल होगी उसमें जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आया है उसे मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर की गुडविल निकाली जाती है। तो यहाँ पर कृपा का शेयर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कृपा के हिस्से की गुडविल। अब मेरे पास क्या है? फॉर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है 4,20,000 रुपए। आप देखो अच्छे से, आपको दिख रहा होगा कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट 4,20,000, और मेरे पास साथ में जो कृपा ने गुडविल दी है ना वो भी दिया हुई है 60,000, कृपा के हिस्से की गुडविल है। तो मुझे कृपा का शेयर निकालना है, कृपा का शेयर निकालना है। तो कृपा के शेयर को मैंने यहीं पे रख दिया, और ये जो 420 है मल्टीप्लाई वाला, इसको मैंने इधर डिवाइड रख दिया। ठीक है, आपको पता है रूल, पता होगा मैथ्स का रूल है, क्या है?
जब इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में, इक्वल्स टू के सेकंड साइड में अगर मल्टीप्लाई में कोई डिजिट है तो उसे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई को इक्वल्स टू की साइड चेंज करने पे डिवाइड बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसे कट करूँ 40, ये 40, 6 की टेबल में कट करूँ, 6 1 6 और 6 7 42, ठीक है, ये 1/7, ये आ गया कृपा का शेयर, ठीक है। बस यही एक पंगा था यहाँ पे, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती तो बाकी सारा गेम ही खत्म हो गया। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस जब रिवर्स कैलकुलेशन के आते हैं तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते। अब कृपा का शेयर आया 1/7, ये पूरा को पूरा किसने सेक्रीफाइस किया, माही ने, क्यों, क्योंकि माही को पूरी गुडविल मिली है। तो अब आ जाइए आगे, देखिएगा, हटा दो ना, किसी को यहां तक डाउट हो तो पहले पूछ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पे माही को गुडविल पूरी की पूरी मिली है, तो इसका मतलब माही ने ही कृपा को शेयर पूरा सेक्रीफाइस किया है। तो बात आती है सर कृपा का शेयर कितना है, तो कृपा का शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म की गुडविल और जो कृपा के शेयर की गुडविल है दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमारे पास 1/7 आ गया, ये आ गया कृपा का शेयर। और ये कृपा का शेयर किसने किसको दिया, ये माही ने दिया, तो ये माही का सेक्रीफाइस हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, जरा देखिएगा, माही और रजत 4:3 में पार्टनर्स थे, माही और रजत इनका 4:3 में पार्टनर है, इन्होंने कृपा को एडमिट किया 1/7 पार्ट के लिए, और ये 1/7 पार्ट पूरा पूरा माही ने दिया। तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग शेयर लिखता हूँ, सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो यहाँ पे माही ने ही पूरा सेक्रीफाइस किया 1/7 पार्ट। न्यू रेशियो निकालने के लिए बेटा जो मेरा फॉर्मूला है, होल शेयर माइनस सेक्रीफाइजिंग शेयर, और जिस पार्टनर को गेन हुआ उसमें गेन प्लस कर देंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया माइनस कर देंगे। तो पार्टनर है हमारे पास इस बार माही रजत, न्यू में तो तीनों आएंगे कृपा, राइट। तो माही का ओल्ड शेयर 4/7, इसका 3/7 माइनस माइनस। अब देखो माही इसमें से रजत में तो माइनस हो गई नहीं, केवल इसी ने सेक्रीफाइस किया, तो -1/7, तो आ जाएगा 3/7, इसका भी 3/7, और कृपा का जीरो, ओल्ड शेयर जीरो है, गेनिंग है 1/7, तो 1/7, तो रेशियो क्या बन करके आएगा, 3:3:1, दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर ले, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्लियर हो गया होगा, चले आगे बच्चों, किसी को यहाँ तक डाउट हो वापस 11th में तो बता दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। हमें सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट से हट करके कोई क्वेश्चन नहीं, राइट। एक ही नया कॉन्सेप्ट जरूर आपके सामने आया कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर शेयर करते हैं, इन सेक्रीफाइजिंग शेयर, राइट, क्योंकि वो अभी इस टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वहां पे आएगा अभी, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाइए क्वेश्चन 13 पे, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, देखिएगा, करीम एंड रहमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। करीम और रहमान पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करीम रहमान और नवल इज 4:3:2, फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो 11th को छोड़ो, 12, 13 और 14, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर नेचर के हैं। ये मतलब जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उससे रिलेट करते हैं। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन हैं ये, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, देखिए करीम रहमान और पढ़े नवल, तो देखिए आपको पहले ये बताओ ना कि ओल्ड रेशियो क्या है इनका, करीम रहमान और नवल, मैंने फर्स्ट फर्स्ट वर्ड यूज किया इनके लिए, इनके नाम का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करीम और रहमान का कितना है बेटे, देखिएगा 3:2, और न्यू रेशियो कितना है इनका, न्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल सा माइनस करना है 4:3:2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, फॉर्मूला याद होगा आपको कैसे, सन वर्ड से, ठीक है। तो ओल्ड में केवल के और आर ही है, तो इन्हीं दोनों को हो सकता है 3/5, 2/5, इनका ओल्ड वाला हिस्सा,
माइनस न्यू वाला हिस्सा 4/9, इन तीनों का टोटल 9 होता है और इन दोनों का टोटल 5 होता है, तो 3/9, 9 और 5 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 45, 5 9 का 45, 9 3 जा 27, माइनस 9 5 जा 45, 5 4 जा 27 डिवाइडेड बाय 45, ये तो आया के का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ऐसे ही 45 एलसीएम लिया, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, माइनस 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 3/45। सो आपका जो रेशियो बैठेगा वो 7:3 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, 7:3 सेक्रीफाइसिंग, राइट। स्क्रीनशॉट ले लें 13 क्वेश्चन की तरफ, बताते जाना बेटा और कोई डाउट आता जाए। देखिएगा अब आते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन पे, जिसमें भी डाउट आ रहा है आप लोगों को, देखते हैं 16 क्वेश्चन में क्या है। देखिए एक्चुअली डाउट वाली बात नहीं है, 16 क्वेश्चन में एक्चुअल में सिर्फ लैंग्वेज का गेम, ठीक है। जिसने ट्राई किया है उसको तो आ जाएगा, जिसने मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुना है समझा है, जो मैंने आपको टॉपिक नंबर 3 पढ़ाया था ना, टॉपिक नंबर जो फर्स्ट चल रहा है उसमें केस 3 जो अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एपिसोड 7 में, वहां मैंने ये बात बताई भी थी बेटा आपको। देखिए गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, तो गौतम और याशिका का वायलिन 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट आस्मा है ना इनटू पार्टनरशिप, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, गौतम कितना दे रहा है, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, और जो याशमा है वो कितना दे रही है, याशमा गिव्स, जरा देख लो यहाँ पे लैंग्वेज का गेम, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है या फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है बस यही है। और आगे लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में आसमा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब न्यू शेयर्स तो गिवन ही नहीं है, केस नंबर 3 है, समझ आ गया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो पहले गौतम का सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज वर्ड आया जी के लिए, मतलब गौतम अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, तो गौतम का अपना शेयर 3/5 का 1/3, 3/5 3/15, और याशिका दे रही है 1/10, तो 1/10 याशिका का सेक्रीफाइसिंग शेयर बनता है। अब मुझे रेशो अगर निकालना है इसका, तो 3/15 और 1/10 का मैं एलसीएम लेकर के सेम कर देता हूँ, 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 टू जा 30, 2 3 जा 6, और 10 टू 30 3 टाइम 3 इंटू 1, ठीक है 3, तो 6:3 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, जिसे आप कट करके और 2:1 कह सकते हैं, ठीक है। 2:1 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो न्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो केवल जैसे गौतम याशिका और थर्ड पर है आसमी, तीनों का नाम आया, जिसका गेन हुआ उसमें गेन प्लस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, ओल्ड शेयर क्या है इसका 3/5, इसका 2/5, और इसका क्या आएगा, इन दोनों का टोटल 3/15 प्लस 1/10, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से माइनस करना है, 3/5 में से 3/15 जो गौतम का सेक्रीफाइस है और याशिका का सेक्रीफाइस 1/10, 15 एलसीएम ले लिया, 5 10 5 3 15, 3 3 9, माइनस 15 1 15, 3 6/15, ये जो आया ये आया गौतम का न्यू शेयर। ऐसे ही 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, 5 2 10 2 2 4, माइनस 10 1 10, 3/10, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, 3 15 2 30 2 3 6 प्लस 10 3 30, 3 2 1 3, तो 9/30। अब देखिएगा जहां पे अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 या 10 या 30, हम क्या ला सकते हैं, क्या कॉमन ला सकते हैं, 30 कॉमन ला सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 12/30, इधर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 9/30, तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 12:9:9, कट कर दो 3 के टेबल से, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, तो 4 3 3, ये हमारा आ गया रेशियो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लें कि आ गया आपका क्वेश्चन 16।